आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गाइस सो लेट्स सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम क्या दिया है प्रॉब्लम में आकार travels up a hill at a constant speed of 35 km per hour and return down the hill at a constant speed which is given 60 km per hour कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप जैसा कि प्रॉब्लम में बोल के रखा है हमें एवरेज स्पीड बताना है राउंड ट्रिप के लिए अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पूछे जाते हैं क्या कंसेप्ट होता है तो गाई जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की तो एवरेज स्पीड की डिफाइनिंग कैसी होती है डेट कैन बी डिफाइंड एट द टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम टे डेट इज द डिफाइंड एट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल डिवाइड ओवर द टाइम टेकिन ये हमारा बेसिक डिफिनीसन होता है एवरेज स्पीड का क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यहीं से स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट आ जाता है जो चीज़ों को डिस्टिंगस कर देता है अगर हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करें तो एक्चुअली में प्रॉब्लम में हो क्या रहेगा एक्चुअली में अगर हम सपोज करें कि सपोज हमारे पास एक हिल है तो कोई पार्टिकल हिल तक जा रहा है एक कार है जो हिल तक जा रही है तो सपोज़ हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर एक कार एक पार्टिकल हिल तक जा रही है फिर हिल से वापस आ रही है तो इसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है अगर हम इसको रफली दिखाना चाहें तो हम रफली ऐसे दिखा सकते हैं कि सपोज अगर मेरे पास एक पार्टिकल है अगर वो एक्स डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है फिर घूम के ये हो गया अपवर्ड अप टू हिल जब वो हिल में ऊपर की तरफ जा रहा है डेट इज द अप टू हिल और जब वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो क्या होगा अपनी ओरिजिनल पोजिशन जिसको हमने ओ बोला है दिस इज द ए पोजिशन ए और फिर जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ रहा है तो पार्टिकल ओ से ए जाने और फिर वापस आने पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो अगर मैं इस केस में टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो x डिस्टेंस हो गया टू मोशन का x हो गया टू एंड फोर्थ मोशन कर रहा है एक्स जाना और एक्स आना तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस एक्स और अगर हम टाइम टेकन की बात करें गाइज तो टाइम टेकन कितना होगा अगर जाने का टाइम टी वन है आने का टाइम टी टू है डेट कैन बी रिटर्न टू एक्स अपॉन टी वन प्लस टी टू गाइज टी वन और टी टू की अगर हम बात करें तो जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस समय पार्टिकल की स्पीड है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर तो हमें स्पीड पता है जाने की और रिटर्न की हमें स्पीड पता है आने की तो गाइज अगर हमें डिस्टेंस पता है स्पीड पता है तब हम टाइम को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं डेट इज द एक्स अपॉन वी वन दिस इज द स्पीड एंड टी टू कैन बी रिटर्न एज द आने का जो डिस्टेंस है डेट इज आल्सो एक्स डेट इज द एक्स अपॉन वी टू तो गाइज एक्स अपॉन वी वन और एक्स अपॉन वी टू तो टी वन टी टू भी हमें मिल गया और अगर हम टी वन टी टू की इस वैल्यू को पुट करें तो हमें एवरेज स्पीड मिलने वाली है डेट कैन बी रिटर्न एज द टू एक्स टी वन की जगह गाइज एक्स अपान वी वन और टी टू की जगह गाइज एक्स अपान वी टू गाइज अगर हम नीचे LCM ले लें तो हम लिख सकते हैं गाइज डेट इज द वी वन प्लस वी टू और डेट इज वी वन अपान वी टू गाइज वी वन इंटू वी टू और गाइज हमारे पास एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है तो एक्स एंड x इज कैंसिल आउट सो वी कैन ईजिली से डैट कि एवरेज स्पीड कैन बी रिटर्न एज द टू टाइम्स वी वन वी टू divide over v1 plus v2 this is the general expression when our distance is equal whenever distance of upward motion is equal to downward motion and for a round trip we can say that this is the expression for average speed and this expression is used in multiple types of problem whenever it is asked about the round trip so guys, if we put the value of v1, what is the value of v1 in the given in the problem that in the 35 km per hour, this is the value of the v1, and v2 value is given in the problem that is the 60 km per hour. if we put this value in this final expression, we can say that this final expression equation, equation number 1, we can say that average speed that is written as the 2 times 35 into 60. Divide over 30 plus 60 plus 35, that is written as the 95. If we evaluate this, we can find out the answer. And what is the answer coming? That is the nearly 44 point. That is the written as the 44 point. Near about 44 meter per second, guys. So, guys, we can evaluate the value from the average velocity from given data. And we can say that if we talk about the average velocity for the given problem, then what is the value of the average velocity? If we talk about problem average velocity, guys, so we can say that average velocity is the total displacement upon time taken. If we talk about total displacement, guy, so we can say that displacement depends upon the initial and final position but in this case initial and final position of the particle is the same so in this case total displacement is zero so average velocity is zero in the round trip but in this case we can say that average speed is not zero and the value of average speed is the near about 44.21 meter per second so this is the very important concept regarding बिलोस्टी एंड स्पीड फॉर अराउंड ट्रिप क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर